सच्चिदानन्दतया दृशांशतया सस्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनोबोधाय विनिर्मलया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्य संपत्तया आनंददया मदीय मन से कांचित कणाम परिपूर्ण परिज्ञान परिकल्पते विष्णवे विष्णवे विरक्तस्योक्तबोधन स्यात् वैराग्यं दोषदर्शनात् वैराग्यवान बोध का अधिकारी है। नास्तिक दर्शनों की बात हो रही है, उनके भी छह विभाग हैं, चार बात सही और बौद्धों के चार, इस तरह छह विभाग और अपने आस्तिक दर्शनों के भी छह। अवान्तर दर्शन और छह को भी तीन विभाग में बांटते हैं, न्याय वैशिष्ट एक विभाग, शांति को एक विभाग और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा एक विभाग। जैसे प्रमाण दर्शन में न्याय दर्शन, पदार्थ दर्शन में वैशिष्ट दर्शन, प्रमाण के द्वारा पदार्थ होता है। इसमें भी आज वैराग्य की बड़ी भारी चर्चा आप ध्यान करके देखते, दुख से वैराग्य सबको होता है न, करना दुख बुद्धि होगी, भाषा जिहीर्षण परिहार पर भी जब दुख बुद्धि होगी हमको दुख मिलता है तो जिससे दुख मिलेगा उससे परहेज करेंगे कि नहीं, तो लोग उसको परिजिहासा हो परिजिहासा परहेज, जिससे जिससे दुख मिलेगा उससे उससे परहेज करेंगे। एक बार तो मैंने सूर्य बाबा जी महाराज से पूछा कि महाराज ज्ञान होने पर तो खूब मस्ती आ जाती, तो बोले थे जीव धर्म है कि जीव ब्रह्म धर्म है, तो ये वो ऐसे पूछ देते थे, इतने में बात करते किसी के साथ महाराज सृष्टि किसने बनाई है, उनको उत्तर कुछ सही होता है, ईश्वर ने बनाई है किसने और बनाई, ईश्वर ने बनाई है तो बोले कि तब क्या तुम्हारे सच्चा ने बनाई बोले महाराज ईश्वर तो निराकार है ना, वो सब साकार है, सब साकार है महाराज, वैराग्य को बड़ा करने है जीव को कैसे होगा, बोले अच्छा भाई अब से ईश्वर ही वैराग्य वैराग्य तो झूठे ही करने का है, जब तुम्हें लोग गए कि हमसे वैराग्य नहीं होगा तो अब वैराग्य ईश्वर थोड़े करेंगे, राग वैराग्य तो ईश्वर में है ही नहीं। अच्छा तो वैराग्य की बात हमारे लिए न्याय दर्शन की कक्षा है, जिसको मानने है कि दुख से वैराग्य होगा, दुख और सुख दोनों भाव बता रहे हैं, दुख का अभाव दुख और सुख का अभाव दुख, ऐसा नहीं माना जाता है सदा, क्योंकि जब दोनों की पृथक पृथक पहचान नहीं होगी तो दोनों के अभाव की भी पहचान, यदि कोई कहे कि सुख का अभाव दुख है, जब तक दुख सुख की पहचान नहीं होगी पृथक पृथक, तब तक दुख का अभाव सुख का अभाव की पहचान होगी नहीं। इसलिए पहले
जानना पड़ता है, अपने अंतकरण में इसकी प्रतिकूल वेदना होती है, जैसा हम चाहते हैं वैसी नहीं, और सुख की वेदना अनुकूल। अब इसके संबंध में सुख दुख क्या है ना, आकार में सुख दुख है, इंद्रिय में सुख दुख है, इस भाव में सुख दुख है, इस संबंध में दुख है, ऐसे इसका बहुत विवेक है। और इनके परस्पर वैलक्षण का दस वर्ण, दस प्रकार का वर्ण, उसमें हम आपको नहीं ले जाते। अब ये है कि दुख क्यों होता है, तो हमारे तार्किक लोग क्योंकि देह है इसलिए दुख है, दुख का मूल ही शरीर ही है। ऐसा ये खेत बन गया है, धान नदी का कनवा जुड़ गया है, दुख का कारण देह रूप से जन्म जन्म जब सशरीर रहेंगे तो कुछ प्रिय होगा कुछ अप्रिय होगा, दुख का सुख का स्पर्श होता ही रहेगा। श्रुति ये कहते हैं बोले अच्छा जन्म ही क्यों हुआ, आओ जन्म को भी बता दें। ये सब बैरागी नहीं देखो कब आंखने से बैरागी नहीं होता, जब शरीर धारण करेंगे तो उसमें प्रिय बुद्धि प्रिय वस्तु अप्रिय वस्तु का स्पर्श होगा, अप्रिय के स्पर्श से दुख होगा, प्रिय के स्पर्श से सुख होगा। बीमारी भी अनिष्ट प्राप्ति और इष्ट वर्धन से होती है, रोग के कारण चतुर्विध कारण योगा प्रवर्तन से व्याधे अनिष्ट संस्कर्ता श्रमार्थ इष्ट भी बन गया, बहुत परिश्रम करने से वास्तविकता के प्रकोप से इष्ट की प्राप्ति न होने से अनिष्ट की प्राप्ति होने से इष्ट के वियोग से और अनिष्ट के संयोग रोग होता है शरीर। लो भाई जब शरीर है तो ये तो फटता है सही, फटने शरीर का स्वभाव है और ये जुड़ेगा जुड़ेगा कल बिछुड़ेगा, ये सटेगा ये हटेगा, अनुकूल होगा प्रतिकूल होगा, ऐसा कोई उपाय करो ये शरीर बार बार धारण न करना पड़े तब दुख से मुक्ति हो। और चाहे तो जिस शरीर के रहते ही अशरीर हो जाए वो बहुत वो दर्शन दूसरा है, अशरीरम भाव संभव प्रिया नक्षत्र। जब आप देहात्मान से मौत होकर निवास करोगे तो प्रिय प्रिय आपका स्पर्श। अच्छा जी तो ये जन्म ही क्यों होता है, बोले प्रवृत्ति से, शुभ प्रवृत्ति से अशुभ प्रवृत्ति से। जब हम काम करते हैं तो कर्म के फल के रूप में हमको सुख दुख की प्राप्ति होती है, ये जन्म होता है प्रवृत्ति के कारण, जन्म के कारण दुख होता है, इसलिए प्रवृत्ति देखो वैराग्य का हेतु बताते हैं। प्रवृत्ति में जन्म है और जन्म में देह है, जो दुख है सुख है, तो वैराग्य होना हो तो प्रवृत्ति से बचना पड़ेगा। बोले भाई ये प्रवृत्ति कहाँ से आई, ये कारण कारण से देगी, उन्हें दोष होगा, समूची की समूची प्रवृत्ति दोष से उत्पन्न होती है। सब दोषों को काट के नैयायिकों ने दोष को तीन कक्षा में विभक्त कर दिया, तीन ही दोष हैं केवल, राग द्वेष और मोह। बस जितने संसार में जितने दोष हैं वो सब तीन दोषों के अंतर्गत हैं, राग द्वेष और मोह। ये दोष दोष राग से आदमी पक्षपात करता है, द्वेष से आदमी
क्या करता है, किसी वस्तु में जब वो हो जाता है ना, तो उसको पकड़े रखने के लिए, उसको पाने के लिए एकदम चित्त विपरीत हो जाता है। ये करे तो हमारा दोस्त अच्छा रहेगा, हमारा प्रिय अच्छा रहेगा, और ये करे तो हमारे दुश्मन का नाश होगा, और ये करे तो ये स्थिति हमारी बनी रहेगी, पकड़े रहेंगे। ये दोष मूलक है, सब का सब दोष, जितनी प्रवृत्ति है उसके मूल में दोष। और ऐसा ये दोष ही कहा गया तो बोले मिथ्या ज्ञान से आया, जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं समझते हो। तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की प्रवृत्ति होने पर निश्रेय का अधिगम होता है। वैसे इसी दर्शन की एक टीका में बताया है कि मनुष्य को जो संसार में सुख मालूम पड़ता है वो चार कारण व्यक्ति कहते होता है, विषय बोध है, मनोराज्य है, और अभिमान है, अभ्यास, जिस चीज की आदत पड़ जाती है वो। ये चार प्रकार से संसार में सुख प्राप्त होता है। विषय भोग मिला पूर्ण, हमारी ये पुरुषि और हमारी ये प्रसन्न। पहले बेचारे साधुओं को मालूम नहीं था कि संसार के लोग कैसे कैसे सुखी होते, तो उन्होंने कह दिया शरत चंदन बलिदादी माला पहनाना एक सुख है, वो चंदन लगाना एक सुख है, ये सब इसी को विषय सुख बोलते हैं। सरक चंदन बनना भी सुगंध का सुख, और चंदन लगाने का सुख, बनता भी सुख, उनका तो नाम लेना सुख उसको थोड़े मिलेंगे। आप देखें क्या क्या मजेदार है, कई एक भोग को मिलता है। कई साधु हो जब हवाई जहाज मतलब करना होता है तो अपनी मुठली में माला बांध तो जाते हैं वहीं चले जाते हैं, और फिर वहां अपने शिष्य के द्वारा स्वागतार्थ आए हुए लोगों को दे देते हैं, पहनाओ जय हो जय हो। अब अपने घर की बात सुनाई नहीं जानते हैं, जिसमें दूसरे का तो हस्तक्षेप ही नहीं। तो विषय भोग से सुख मिलता है, वो बांधता है वो, इसलिए दुख विषेण बनती किसी विषय आ बार बार उतनी माला न मिले उसे कुछ कम आ जाए दूसरी बार उसे जो भेंट पूजा देते हैं ना 5 रुपए देते हैं, वो अगर पिछली बार 2 ही रुपया है 1 ही रुपया नहीं तो देखना, और मन महसूस के रहते हैं साधु लोग मन पूजा पर भी दावा हो जाता है। हमी के लिए तो मैं नहीं कह रहा हूँ, विषय भोग से और मनोराज्य से हमको ये मिलेगा ये आशा पास सतैर बनता, ये मिल जाएगा तब ऐसे सुखी होंगी, ये मिलेगा तब ऐसे सुखी होंगे, तो अभी तो कुटिया है फिर महल बन जाएगा और कई दिन संपदा आ जाएगी। मनोराज और अपमान, हमारे पास इतना है इदम अस्ति इदम अपि मे, भविष्य की पता है अनंत इदम, इतना हमारे पास है ये अरे है कुछ नहीं, और चेला ताक रहा है तो गुरु जी मरेंगे, तो बिल्कुल सच्ची बात है। मनोरंजन कृष्ण हंसने की बात आपको, हमारे पास एक का बेटा आया 40 बरस उसके उम्र है, उसने कहा महाराज हमारे पिताजी 60 बरस के रहते न तो हमको चाहती है, न व्यापार की बात हम खाते हैं न गति, अब 10-5 बरस और जिंदा रह गए तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं क्या करूं, ये बुढ़ा जल्दी मरता ही नहीं बेटा। एक सुख मनोराज्य का ये होंगे रात्रि गमिष्य भविष्य सुख प्रभात आस्वादय अशिष्य पंकजश्री इर्थम विचिंत मनोराज। एक अभ्यास
का सुख होता है। जिसको देह की आदत पड़ जाती, सूर्य नमस्कार करने की रोज आदत पड़ जाए तो जिस दिन नहीं करोगे उस दिन मालूम पड़ेगा। हमारे पितामह करते, पितामह के भाई लगते थे, बुढ़े हो गए थे, उन्होंने तो दो दो हजार दंड कसरत जवानी में ली। जब बुढ़े हो गए थे तो लेट कहते थे, एक एक गांठ दुख रही है, हाँ बेटा उठ हमारे शरीर पर आओ और अपनी एड़ी से हो, हम लोग अपनी एड़ी से उनको खूब कुचलते थे, कुचलवाए बिना उनको आराम ही नहीं मिलता था। इसको बोलते हैं अभ्यास का सुख। ऐसी आदत मत डालो बाबा, है ना। तामस सुख में तो मोह होता है और राजस सुख में विषयेंद्रिय संयोग होता है, पहले मीठा पीछे करवा। और सात्विक सुख अभ्यास जन्म होता है, अभ्यासात्मक होता है। लेकिन जो सच्चा सुख होता है उसमें तीन बात नहीं होती है, एक तो नाश आत्यंतिक होता है, एक अतीन्द्रिय होता है विषयेन्द्रिय संयोग नहीं होता है, एक बुद्धिग्राह्य होता है माने मोहन नहीं होता है। बुद्धिग्राह्य माने तामस नहीं, अतीन्द्रिय माने राजस नहीं, और आत्यंतिक माने अभ्यास जन। त्रिगुणातीत हो सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुख है वो ब्रह्म संस्पर्श। वैराग्य जो है आपको बोल देते मिथ्या ज्ञान के कारण अपने जीवन में राग द्वेष मोह है, राग द्वेष मोह के कारण कुछ बचाने के लिए प्रवृत्ति है, कुछ पाने के लिए प्रवृत्ति है, कुछ हटाने के लिए प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति के मूल में दोष है। और प्रवृत्ति के कारण जन्म है, प्रवृत्ति की वजह से जन्म है और जन्म की वजह से दुख है। तो मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो निष्प्रेय का अधिगम तत्व ज्ञान से ही होता है। तो वैराग्य की जरूरत आई कि नहीं आई, न्याय दर्शन जो है, वैशेषिक दर्शन जो है, ये वैराग्य की शिक्षा देता है, उसका भी वैराग्य है। अब छोटी सी बात, आप योग दर्शन की जो सुन लो, योग दर्शन में जो वैराग्य है, बड़ा वैराग्य है, बिना वैराग्य की समाधि नहीं लगती है। तो जिसको हम छोड़ना चाहते हैं उससे वैराग्य, और जिसको पाना चाहते हैं उसका अभ्यास, अभ्यास वैराग्य अपना दंड होता है। एक ओर छोड़ना है और एक ओर पाना है। जिसको पाना है उसका अभ्यास तत्र स्थित जतनो व्यासा, और जिसको छोड़ना है उससे वैराग्य। हमारे कई ऐसे ग्रंथ होते हैं जो वैराग्य को तो रोकना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, लेकिन अभ्यास नहीं करते हैं। तो अभ्यास ही वैराग्य टिकाऊ नहीं होगा। अच्छा, और वैराग्य नहीं है वो भरा जंगलों के गड्ढे पर बैठे हैं, पंखा चल रहा है, एयर कंडीशन लग रहा है, मैं तो राजनीता परीक्षा कर रहा हूँ और खाना पीना खूब बढ़िया ढंग से तैयार हो रहा है और आप कर भोग सामग्री सारी इकट्ठी करके और आप अभ्यास के द्वारा समाधि में जाना चाहते हैं, तो वो उधर मन को खींच रहा है भोजन, उधर मन को खींच रहा है शीतल स्पर्श, उधर सुखद गद्दी, वो तो मन को पकड़ रहे हैं स्कूल में। अब अकेला बेचारा अभ्यास क्या करेगा, फट से धरती पर गिर पड़ेगा वो अकेला अभ्यास, फट से धरती पर गिर पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो मूल नींद है ना वैराग्य की, अभ्यास वैराग्य अपना बंद होगा। जिसका जिसको वैराग्य नहीं है, जिसको वैराग्य नहीं है उसका अभ्यास अकिंचित कर रहे हैं, और जिसका अभ्यास नहीं है उसका वैराग्य तात्कालिक है, टिकाऊ नहीं है। इसलिए दोनों एक साथ होने पर समाधि में ले जाते हैं। ये कहते हैं वैराग्य दोष दर्शनात्, वैराग्य कैसे होगा, दोष दर्शन से होगा। दोष दर्शन की प्रक्रिया बहुत बढ़िया है,
वो भी ऐसे नहीं मनमानी नहीं होती है। दोष जहां दोष दर्शन से द्वेष की उत्पत्ति होती है वहां आपके दोष दर्शन की प्रणाली गलत है, वैराग्य नहीं होगा। द्वेष से तो द्वेष वस्तु का चिंतन होता है ना, जब आप द्वेष के विषय का ही चिंतन करने लग गए तो वैराग्य का होगा। द्वेष वस्तु का चिंतन रख लीजिए और जो राग का विषय है उसका भी चिंतन, ऐसा वैराग्य चाहिए जिसमें द्वेष और राग के विषय का चिंतन न हो। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वं विवेकिनः। जो भाई इसका नाम विवेकी है, क्या है परिणाम में दुख है। आज जो दुख मालूम पड़ता है एक साधु से हो, ये बाबा जी साहब से किसी ने आके सुनाया, शायद मैंने सुनाया, याद नहीं है। एक महात्मा जी हैं, जब तक एक से तब तक उनको कठिन नहीं करती। तो बाबा ने कहा ये महात्मा देवी महात्मा हो जाएगा, वो किसी के जेब में जो रोज एक से दूध उसको पिलाएगा उसके ताकत का साधु हो जाएगा। देवी जब कोई ऐसी चीज है कि उसके खाए बिना पिए बिना पहने बिना रह ही नहीं सकते आप, तो वैराग्य की क्या चर्चा करते हैं। परिणाम में बंधन है, राग है, और उसी समय ताप होता है। ये नहीं संस्कार बनते हैं, गुण वृत्तियों का विरोध होता है। तो विवेकी पुरुष जो है वो संसार के लिए वैराग्य की बात है, वो सेठों का अभ्यास दूसरा होता है और महात्माओं का अभ्यास दूसरा है। हमको एक महात्मा ने बताया, एक सेठ जी थे, तो रुपया के थे, नौ सौ रुपया हो गया, और श्रीमती जी उनके सामने बैठे हुए बगल में, बच्चा आया वो भी कंधे पर बैठे। अब रुपया गिनते जाए और कहें हे भगवान आके दर्शन करो, कंधे पर बेटा बगल में श्रीमती, साधु लोग मारे गए हैं जो सब छोड़ के भगवान को प्राप्त कर रहे हैं, सबसे बदकिस्मत तो यही। तो भाई ठीक है, हाँ तो ठीक है, लेकिन विवेक जो है, अब इसमें योग कहता है कि विवेक करके वशीकार करो, अपना मन का वशीकार करो। ये नहीं कि हमारा मन कोई नहीं, हमारा मन इसमें जाता ही नहीं, अरे जाता ही नहीं तो आज नहीं जाता है, कल जाने लगेगा, तुमको बहुत परेशान करेगा। पहले उसको काबू में कर लो अपने मन को, ऐसे हमारा मन तो इसी में लगता है महाराज, तो तुम मन के अनुसार कर। हरि बाबा जी महाराज वृंदावन में निकलते थे घूमने के लिए, ऐसे बात करते पांच मील चलते हुए चले गए और पांच मील चलते हुए क्या मजा है कि हाथ उनका यहां से हट जाए। आगे 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 एक आदमी चलता, अगर वो आदमी वहां से हट गया है तो वो किस रास्ते जाएंगे इसका पता ही नहीं, चार हाथ से ज्यादा देखते ही नहीं सकते। ये नहीं कि आगे देख कर हाथ हम किस काबू में प्रवचन कर रहे हैं, सत्संग प्रवचन तो करते हैं, कोई बोल रहे हैं, 5:29 हो गया तो नहीं है, 30 मिनट पर उनकी जवाब खड़ा है, उनके काबू में हाथ, उनके काबू में पांव, उनके काबू में हाथ, काबू में हाथ। ये हमारी रुचि नहीं है, हमारा मन ही नहीं करता है, ये नहीं होता है। वशीकरण चाहिए मन को, मन को मारना नहीं है, मन को छोड़ना नहीं है, मन को रुचि के अनुसार जाने देना नहीं है, मन को अपने वश में करना है। फिर एक गुण वैशिष्ट्य है, योग जो है ये साधन दर्शन है और सांख्य जो है वो सिद्धांत दर्शन, न्याय प्रमाण दर्शन है, वैशेषिक पदार्थ दर्शन, उन प्रमाणों से ये पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं। और योग प्रयोग दर्शन है,
प्रयोग करके दिखा देता है। निशान से ने जो दृष्टा दृश्य का विवेक किया वो बिल्कुल ठीक है। इस ढंग से देखो तब आप देखोगे कि निरोध दशा में आप शुद्ध दृष्टा हो, कैवल्य है, कैवल्य है, ऋषि मात्र है। ये शांत दर्शन के सिद्धांत को प्रत्यक्ष कराने के लिए और पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा एक जरूरी कहते हैं कि धर्म द्वारा अंतकरण की शुद्धि ये पूर्व मीमांसा और शुद्ध अंतकरण में तत्वज्ञान ये उत्तर मीमांसा। तो धर्म का प्रतिपादन करने के लिए पूर्व मीमांसा और तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उत्तर मीमांसा। तो महात्मा लोग छह दर्शन न करके दर्शन त्रयी बोलते हैं और जब समन्वय करते हैं तभी कई दर्शन होते और जब अनुभव हो जाता है तब दर्शना दर्शन हितवा स्वयं केवल रूपतः जस्तिष्ठति ततो ब्रह्मन् ब्राह्मण ब्रह्मविद् स्वयं वो ब्रह्म ही है ब्रह्मविद् नहीं। अब देखो ये हुआ प्रमाण दर्शन प्रमेय दर्शन एक प्रमाण प्रमेय दर्शन एक और प्रयोग और स्थान दूसरा दर्शन और धर्मानुष्ठान से अंतकरण की शुद्धि। अच्छा ये स्वयं में अपने अपने जो दर्शन है अपने अपने को पूर्ण नहीं मानते, कोई किसी का अंग नहीं मानता। पूर्व मीमांसा भी मोक्ष का प्रतिबंधन करती है अपने पर। प्रपंच संबंध विलय मोक्षा ये स्वर्ग वर्ग वाली जो बात है ना वो जरा उर्ली है। वो उर्ली तो आप लोग जानते हैं बोलते होंगे इधर से प्रपंच संबंध का जो विलय है वो मोक्ष है। और वेदांत में प्रपंच के अधिष्ठान के ज्ञान से जब प्रपंच का बात हो जाता है तो उस प्रपंच बात से उपलक्षित मोक्ष वैराग्य वैराग्य की बात करना है। ये चुटकुले में वैराग्य नहीं है, कहानियों में वैराग्य नहीं है, वैराग्य अपने हृदय में उदय होता है। एक वैराग्य होता है दोष दर्शन में स्वीकार होता है और एक होता है सत्वान्यता ख्याति से पुरुषक ख्याति से। वो क्या है गुण वैदृश्य हम उसका थोड़ा कम शांति विक्षेप कुछ नहीं चाहिए। गुण वैदृश्य का अर्थ होता है ये जो सात्विक वृत्तियां हैं दया क्षमा आदि जिनसे परोपकार हमें होता है उसमें भी वैतृष्ण होता है। गुण वैतृष्ण का अर्थ केवल समो वैतृष्ण नहीं है, केवल रजो वैतृष्ण नहीं है, सत्व वैतृष्ण भी है गुण वैतृष्ण। ये पर गुण में वितृष्ण तो अंतकरण अंतकरण से जब असंग होना है और शांत दर्शन का सिद्धांत है मूल असंगता। योग दर्शन में जो दृष्टा है वो असंग है, असंगो येयम पुरुषा है। तो वैराग्य की परिणति है असंगता। जब वृत्ति में वैराग्य आया वशीकार आया गुण वैतृष्ण आया तो दृष्टा असंग रूप से स्थित हो गया। ये वैराग्य की दिशा। अब वैराग्य जो है एक देखो वैराग्य सालंब है और एक निरालंब है। वैराग्य मस्जिद जाते बिना समझदारी की जो बात है उसको साधना क्षेत्र में कोई कीमत नहीं है। वो जो समझते हैं कि धोती का एक पांव में धोती ऊपर रहे और दूसरे में नीचे रहे वो वैराग्य हो गया। अरे बाबा दिल्ली में एक दर्जन थे वो उनका नाम था त्याग दिल्ली में थे वो आप लोग और कहीं का नहीं मैं दिल्ली में नितिन बाबू जाना था उनका नाम था त्याग हरि बाबा जी ने कहा कि इनका नाम त्याग मूर्ति कम है। तो नितिन बाबू ने बताया कि ये कागज कुर्ते हैं बटन
बहुत मजेदार बातें करते हैं। ओ सांख्य दर्शन में असंगता जो है वही है, असंगता आत्मनिष्ठ है और वैराग्य अंतरकरण है। तो सालंब वैराग्य, सालंब वैराग्य क्या है? वैसे तो भक्त लोग मानते हैं कि ये जो विवेक है, ब्रह्म आत्मा अनात्म विवेक है, ये जो आत्म ब्रह्म विवेक है, इससे जगत के प्रति तुच्छता का भाव होकर वैराग्य हो जाता है। जगत में मिथ्यात्व का उपयोग भक्त लोग मानते हैं, जगत को मिथ्या मिथ्या करने से क्या फायदा, पूरे जगत की तुच्छता समझ में आवे भी वैराग्य हो जाएगा। इसलिए उनको भी कभी भक्ति मिले, मिथ्या करने वाला तो भी आश्वासन रखो कभी न कभी भक्ति मिलेगी। ये गौड़ेश्वर संप्रदाय में ये बात बड़े स्पष्ट रूप से बोली जाती है। सब वेदांति लोग बोलते हैं ये जो ईश्वर की भक्ति है ये वैराग्य होती है, वैराग्य भगवान की भक्ति करोगे। वो कहते हैं ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा, तुम भक्ति हो जाएगी, माने ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा, वैराग्य होने पर भक्ति होगी। और ये कहते हैं भक्ति होने पर वैराग्य होगा, वैराग्य होने पर ज्ञान होगा। वैराग्य भक्ति से हुआ हुआ भक्ति वैराग्य द्वारा परमात्मा की प्राप्ति में साधन है। और वेदांति लोग बोलते हैं भक्ति वैराग्य द्वारा वेदांत, बस आप लोग भक्ति से ज्ञान, ज्ञान वैराग्य द्वारा भक्ति में साधन है और भक्ति वैराग्य द्वारा ज्ञान में साधन है। ये दोनों पक्ष अपने अपने अलग अलग हैं। अब जरा भक्ति की बात सुना है, प्रेम जो है किससे प्रेम, तो ये प्रेम शब्द का प्रयोग हम वेदांत में भी कर सकते हैं, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों? ये अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रियते, ये अकर्मक होने के अपने आप में प्रियते। एक होता है प्रीणाति प्रयति प्रयते प्रायति प्रीणयति, वो दूसरा है। और एक होता है प्रियते, आत्म प्रेम का उदय हो जाए। महात्मा लोग आप आपके सामने क्या सोचे, हमको एक महात्मा ने बताया था कि तुम बंद कमरे में थोड़ी देर नाच और कमर हिलाते, मगर कमर तो मोटी कमर हिलाते है ना, व्यायाम रस। वो कहते थे कि जो रुचि रुचि तबीयत हो गई है उसको थोड़ा रस उत्पन्न हो गए। रूक्षता का नाम वैराग्य नहीं है, जब एक वो रस मिलेगा ना तब दूसरी ओर वैराग्य होगा। और इसमें क्या रस क्या है ये वेदांत की प्रक्रिया से बिल्कुल मिलता हुआ है। वो परोक्ष दुष्यंत संत शकुंतला की मन में उपस्थिति, प्रत्यक्ष दुष्यंत शकुंत नट नदी में दुष्यंत शकुंतला की दृष्टि, दुष्यंत शकुंतला का चित्त वृत्ति में तन्मयता। वेदांति लोग इसको रस नहीं मानते हैं। वेदांति लोग क्या मानते हैं? हाई भावावच्छिन्न चैतन्य, जब जब आलंबन भावावच्छिन्न चैतन्य से एक होता है, आपके हृदय में स्थाई भाव का उदय हुआ, प्रेम का उदय हुआ, प्रेम स्थाई भाव जिसके प्रति प्रियतम के प्रति, तो राधा कृष्ण आपके हृदय में प्रकट हुए। अब जब जब आलंबन विभावावच्छिन्न चैतन्य से राधा कृष्णावच्छिन्न चैतन्य से जब एक हो जाएगा, हम उसमें तन्मय हो जाएंगे, जब हमारा और राधा कृष्ण का प्रेम उस समय रस का आस्वादन होगा, हम
हम राधा हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए, भगवान है, कृष्ण ही नहा दे, मैं ही तो नाच रहा हूँ, मैं ही तो जा रहा हूँ। रस की उत्पत्ति भक्ति रस, भक्ति रस कोई कल्पना का रस नहीं है, कोई भौतिक रस भक्ति रस नहीं है, कोई कल्पना का रस भक्ति रस नहीं है, कोई स्मृति का रस, स्मृति का रस नहीं है, भौतिक रस नहीं है, कल्पना का रस नहीं है। तब क्या है, जैसे अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य विषयावच्छिन्न चैतन्य से एक होता है तब उसका ज्ञान होता है, ज्ञान की पद्धति यही है। अच्छा, हमारे आप महात्मा हमारे हृदय में हमको दिख रहे हैं, अब देखने वाले आप और देखने वाला मैं, इन दोनों का चेतन एक है कि अलग अलग है? चाहे बाहर देखे, चाहे भीतर देखे, चाहे दूर देखो, चाहे निकट देखो, चाहे पीछे का देखो, चाहे आगे का देखो, जब दिखेगा तब अंतःकरण में दिखेगा, और अंतःकरण में जो देखने वाला है वही दिखने वाले सर्प विच्छु महात्मा देवता राम कृष्ण ईश्वर, चाहे जो भी आकार आपको दिख रहा हो, देखने वाले अंतकरण से अवच्छिन्न जो चैतन्य है वही दिखने वाले आकार से अवच्छिन्न चैतन्य भी वही है। ये एक ही दर्शन है, वो एक ही रसास्वादन है। तो वैराग्य कब होगा, वैराग्य कब होगा, हो जब अंतर में रस आवेगा, अंतर में रस आवेगा, तब ये दूसरी दर्शन। अनुभव गुप्ता जी की जितनी प्रक्रिया है रसास्वादन की, शंकुप्ता जी की जितनी प्रक्रिया है सबका खंडन करके मधुसूदन सरस्वती ने संक्षेप में हो भक्ति रसायन में ये अद्वैत वेदांत की रसानुभूति प्रक्रिया है। आपको अब वैराग्य की बात विरक्त हो सकता है। अब वेदांत दर्शन में पूर्व मीमांसा भी वैराग्य का व्यक्त है, वो कैसे है, तो कर्मजन्य को कर्मजन्य का प्रतिपादन करते हैं, उसमें भी एक संशोधन तो करना ही पड़ता है, कर्म फल दाता नहीं, कर्म स्वयं फल नहीं देते, विहित निषिद्ध कर्म करने से जो अपूर्व उत्पन्न होता है वो अंधा है, अथवा कर्ता में रहता है, कर्तृनिष्ठ है तो आपका कर्म है, और वो जब फलोन्मुख होता है तब मनुष्य को सुख दुखा की प्राप्ति होती है। परंतु ये जड़ कर्म में जो फल दातृत्व है ये वेदांत दर्शन को स्वीकार नहीं, फलमतः उपपत्त है, परमात्मा फल देने वाला परमात्मा है। तो फल जब कर्मजन्य है और कर्मानुरूप है तो नाशवान तो निश्चित ही है, जब जन्यम तदनिष्क्रियम जब दृष्टम तन्नष्टम, जैसे पाया है हाँ, तो नाशवान के प्रति वैराग्य अविनाशी है आत्मा। देखो बहुत सीधी बात है, आप सब समझ सकते हैं इसको। एक आदमी पर देवता खोज हुआ होता है, तो देवता ने कहा बर मांगो, बोले हम अमर हो जाए, बोले नहीं जो जन्मता है मरता है, तो बोले अच्छा तब हमारी उम्र 400 बरस, अच्छा लो 400 बरस, तो पहले उसके दादा मरे, दादी मरी, रोया लेकिन ज्यादा नहीं, बाप मरे, माँ मरी, अब बेटे की उम्र तो 400 बरस की हुई नहीं, बहू की भी नहीं, बेटी की भी नहीं, नाती पोते की भी नहीं, उसी की उम्र 400 बरस की हुई, अब सब उसके सामने मरने लगे, तो आप समझो 400 बरस की उम्र उसको सुख देगी कि दुख देगी, पैसा उसका चला गया, मकान उसका जल गया, पत्नी मर गई, बेटा मर गया, तो क्या होगा, तुम्हारी उम्र बड़ी होगी क्या, बिहारी जी के चरण 100 बरस करो, भाई नाथ 400 बरस की उम्र मिली और दुख ही दुख मिला, दुख ही दुख मिला। अच्छा देखो, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसके सामने इतने पदार्थ हैं वो ईश्वर हैं, मर जाएंगे, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, यदि ये अजर अमर आत्मा
और गुणेश्वर वस्तु के राग में या उसके द्वेष में फंस जाएगा तो ये क्या कभी सुखी हो सकेगा? 400 बरस भी बताए थे, ये तो ऐसा है कि अनुभव के क्षेत्र में अपनी मृत्यु है ही नहीं। कोई सज्जन बता दे बाबा कि हम कई बार मर चुके हैं, किताब में पढ़ी होगी। किसी के अनुभव में ये बात नहीं है कि कभी मैं मरा हूं। अगर आप मर गए होते तो आज आपका दर्शन कैसे होता, आज आप कैसे बोलते? साधु हम मरते हैं, पलटू करो करो विचार, पलटू करो करो विचार, हमें करता नहीं करता। आप हैं अविनाशी, यदि विनश्वर पदार्थ में ये मृत्यु ही, अन्य पदार्थ की मृत्यु ही पहला दोष है, उसका वियोग दूसरा दोष है। अच्छा, उसका स्फुरण भी सर्वदा नहीं हो सकता, वो आनंद भी सर्वदा नहीं दे सकता। हमारे पास ये भी नहीं, आप देखो विचार, अनात्म पदार्थ में क्या दोष है? आत्मा अजर है, वो मृत्युग्रस्त है। आत्मा वियोगी नहीं है, वो वियोगी है। आत्मा में वियोग कभी नहीं होता, क्रांति के वियोग में आत्मा का वियोग तो है ही। ये तो आत्मदृष्टि से जो वैराग्य होता है वो वैराग्य ही दूसरा है। बिना वैराग्य जमाने जमाने जमा खर्च जो है, आपका आनंद समाधि है कि पराधीन है? कहाँ है आपका आनंद? और रसगुल्ला बन के दिख रहा रहो, कड़ाही निकलता है और दुकान पर बिकता है। आपका आनंद कपड़ा बन करके बाजार की दुकान पर फटता है। आपका आनंद आपका अपना बन के आपको धोखा देता है। तो आपका अपना नहीं बनेगा, धोखा कैसे देगा? ये तो है संसार की स्थिति। एक दिन पूछा कि महाराज हम भजन करने बैठते हैं तो घर की बातें याद आ करते हैं। उनको भजन करना इष्ट है कि घर को ठीक रखना इष्ट है? बहुत एक बात को अगर घर की बातें भजन में बाधा डालते हैं तो छोड़ दे घर को। अरे बाबा ऐसे बोलते, एक बात करना जय बम्बई हम तो बड़े अनुभवी गुरु हैं, हमको सुहाई दे, हमने जिंदगी भर में और कुछ तो खाया है, मकान है, रुपया है, परिवार है, अनुभव ही तो है अपने पास, हम हमारा दिन सब कुछ ये है। तो तुमने जिंदगी भर में जो कुछ कमाया है तो हमको दे, और तुमने जिंदगी भर में जो कुछ कमाया है तो तुमको दे देते हैं। अरे ना बाबा ना बाबा ना बाबा। तो जब तुम आत्मा का साक्षात्कार चाहते हो तो अनात्मा से वैराग्य होना आवश्यक है। सत का साक्षात्कार चाहते हो तो असत से वैराग्य होना आवश्यक है। जित का साक्षात्कार चाहते हो तो अजित का, आनंद चाहते हो तो दुख से वैराग्य, अमृत चाहते हो तो मृत्युशील से वैराग्य, बिना वैराग्य के। देखो उपाधि को हमारा अंतकरण छोड़ता है, हम उपाधि को छोड़ नहीं पाते। अच्छा जी अंतकरण आत्मा क्या है? बोले अणु परिमाण है, मध्यम परिमाण है, विदु परिमाण है। प्यारे ये जो परिमाण है देश की उपाधि, इसको तुम छोड़ क्यों नहीं देते? जब देश को पकड़े रहोगे तब तक ये झगड़ा रहेगा कि वर्णु है कि मध्यम है कि विदु है। कल्पना का परित्याग करते ही हो तो ये उपाधि नहीं छोड़ सकते। आकाश कितना बड़ा, जितना खड़े में है उतना, कि जितना खड़े के बाहर है उतना,
बाबा आकाश तो ऐसी चीज है जिसको घड़ा जो है वो परिचिन नहीं कर सकता। हट में ये योग्यता नहीं है कि आकाश को वो परिचिन कर सकते। तो असल में अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न ही होता है। वस्तु जो होती है वो बाधि से घटावच्छिन्न आकाश दूसरा हो जाए और घटान अवच्छिन्न आकाश दूसरा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तब जब उपाधि को पकड़ के बैठोगे उपाधि का तिरस्कार ही उसमें है। तो वेदांत में वैराग्य की पूर्णता है बात में, और सांख्य में वैराग्य की पूर्णता है असंगता में।